अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके? व्यूवर्स, आज मैं पालक पकौड़ा के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले हमने 1 किलो पालक ले ली है। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला शामिल करेंगे और हसबे जायका नमक शामिल करेंगे। हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और 1 कप हमने बेसन का ले लिया है। 1 अंडे को हमने इसके अंदर फेंट के शामिल करना है। इसके बाद हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके कोफ्ते या कबाब नुमा शेप बना लेनी है। अब हमने इन सब को फ्राई कर लेना है। ये सब फ्राई हो गए हैं। फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा था उसमें से हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। उसके अंदर हमने 1 प्याज शामिल कर ली है। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है थोड़ा सा। जब यह हल्की से पिंक ब्राउन हो जाएगी हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का शामिल करना है। 1 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च शामिल करेंगे। नमक हसबे जायका शामिल करेंगे, हमने 1.5 टीस्पून शामिल किया है। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि भुनाई और अच्छी सी हो जाए। जब ये अच्छे से भुन जाएगा इसके अंदर हमने 5 टमाटरों को कट करके शामिल कर लेना है। इसको अच्छा सा चलाने के बाद हमने गलने रख देना है। यहाँ पर टमाटर गल चुके हैं, हमने इसके अंदर 4 अदद हरी मिर्च शामिल कर ली है। अब हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही के शामिल करने हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी भुनाई के बाद जो फुलकियाँ हमने तैयार करके रखी थी उसे हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऊपर से छिड़क देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हमने इसे दम पे रख देना है। ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार पालक के पकौड़े की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।